सो हे गाइज, औरों में कहा दम था मूवी को देख के आ रहा हूँ। दोस्तों आप सोच रहे हो रवि भाई कहाँ पर खड़े हो, लेकिन बता दो दोस्तों कि वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन औरों में कहा दम था मूवी क्या औसम मूवी है, क्या मास्टरपीस है। जैसे कि विजय सेतुपति की महाराजा मूवी आई थी जो कि एक स्लो मूवी थी, लेकिन उसका कॉन्टेंट बड़ा फाड़ू था भाई। ये औरों में कहा दम था मूवी अजय देवगन तब्बू की केमिस्ट्री भाई बॉक्स ऑफिस को फाड़ के रख रही है। दोस्तों भले ही एडवांस बुकिंग कम आ रहे हो, कलेक्शंस कम आ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बेकार है। फिल्म का कंटेंट बड़ा ही फाड़ू है यार। क्या स्टोरी है, क्या ट्विस्ट है, क्या प्लॉट्स है, क्या टर्न्स है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। और इस बात से आप हैरान मत होना कि रवि भाई छत पे खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे हैं। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि औरों में कहा दम था कि मूवी को देख के आ रहा हूं, लाइट चली गई स्टूडियो के अंदर, इसलिए मैं छत पर आकर बिना किसी देरी के ये वीडियो शूट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को डिले ना हो मेरी वीडियो में दोस्तों। तो देर किस बात की, वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल दोस्तों आपको बता दूं कि औरों में कहा दम था मूवी जो कि भाई साहब रिलीज हो चुकी है आज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गया था। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये मूवी क्या मूवी है यार, लिटरली गाइस क्या मूवी है यार। हर वो चीज तब्बू मैम अजय देवगन सर की केमिस्ट्री ऑसम है दोस्तों, ऑसम है। एंड एक बार फिर से वो प्रूव करते हैं कि जो दृश्यम दृश्यम टू भोला में उन्होंने अपनी केमिस्ट्री दी थी, वही सेम अंदाज, वही सेम केमिस्ट्री काफी अच्छे हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों जनता का जो रिव्यू आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है इस फिल्म को लेकर, वो टोटली सरप्राइजली और क्या बताऊँ यार, एकदम शॉकिंग आ रहा है। मुझे भी यकीन नहीं था एक दिन पहले कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे दोस्तों भले ही कमाल ना करे, लेकिन लोगों के दिलों में जगह जरूर बना लेगी, क्योंकि कंटेंट जो है बड़ा फाड़ू है दोस्तों। जनता के रिस्पांस, जनता के रिएक्शंस फर्स्ट डे फर्स्ट चुके। मैं थिएटर में जब बैठा था, बता दूँ आपको कि लेफ्ट और राइट के लोग सीट से उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऑक्यूपेंसी भी थोड़ी सुबह मॉर्निंग में कम थी, लेकिन ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो इतनी कम भी नहीं थी दोस्तों। अजय देवगन के फैंस लोग काफ़ी इस फिल्म को इन्जॉय कर रहे थे। एंड क्या बताओ यार दोस्तों, फिल्म की स्टोरी मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, क्योंकि फिल्म की स्टोरी अगर स्पॉइल कर दी मैंने तो ये समझो पूरी फिल्म ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको अगर सिंपली बताओ, स्टोरी जो है फाड़ के रख देगी, स्टोरी हिला कर रख देगी। और ये कोई रीमेक कंटेंट नहीं है अजय देवगन का, ये एक फ्रेश कंटेंट है, बिल्कुल ही फ्रेश है दोस्तों। आपको बता दूं कि स्टोरी बहुत ही फाड़ू है। 22 साल का सफ़र है, एक रोमांटिक फिल्म है, एक ड्रामा मूवी है, जिसके अंदर अजय देवगन का करियर जो है दांव पर लग जाता है। आपको बता दूं कि साई मंजरकर एंड दोस्तों ऑफकोर्स शांतनु महेश्वरी का पास्ट होता है, अजय देवगन और तब्बू का पास्ट ये रोल प्ले करते हैं। और इन दोनों की एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो युवा रोल प्ले करते हैं अजय देवगन सर और तब्बू मैम का। इसके अलावा अजय देवगन और तब्बू मैम बेसिकली दोस्तों क्या केमिस्ट्री लग रही है, जब भी इन दोनों के रोमांस होते हैं भाई अलग ही मज़ा आता है, आपको 90s की याद आ जाएगी। इसके साथ ही साथ डायलॉग डिलीवरी काफ़ी कमाल के हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी कमाल का लग रहा है, नीरज पांडे का डायरेक्शंस डिसअपॉइंट नहीं करता दोस्तों। इसके साथ ही साथ फर्स्ट हाफ 1 मिनट 15 सेकेंड का, सेकेंड हाफ दोस्तों लगभग 1 मिनट 5 सेकेंड का, क्लाइमैक्स सीन्स ऑसम है। क्या वाकई में वसुंधरा और कृष्ण आपस में मिल जाते हैं, एक रात की पूरी कहानी होती है एक रात में, जो बेसिकली एक ऐसी रात जो दोनों की मिलन की रात होती है, अचानक उस दिन क्या साजिश हो जाती है, कौन साजिश करता है, पूरा का पूरा सस्पेंस है दोस्तों। जिम्मी शेरगिल की एक्टिंग लाजवाब होती है। इसके अलावा तमाम जितने भी इसके अंदर क्या बोलते हैं क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जितने भी कास्टिंग्स की गई है, जो भी इस फिल्म के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी कलीग्स हैं, वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इस फिल्म की स्टोरी को मैं 5 में से 5 ही दूंगा। इसके अलावा इसकी मुझे जो कमी लगी है फटाफट इसका, कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो था थोड़ा सा, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले हाफ में ही लगभग 4 सॉन्ग है, दूसरे हाफ के अंदर लगभग दोस्तों 2 सॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरी जो फिल्म है एक फैमिली फिल्म है, किसी प्रकार की वल्गैरिटी नज़र नहीं आती है, लोगों के रिएक्शंस कमाल के आ रहे हैं, लोग अजय देवगन और तब्बू मैम को देख कर खुश हो रहे हैं, और ये बेहद ही कमाल होगा अपने आप में एक्सपीरियंस। आई नो कि बॉक्स ऑफिस में एडवांस बुकिंग दोस्तों सिर्फ 49 लाख का ही पहले दिन का कर पाई, करोड़ में भी नहीं जा पाई, आज क्या ये सरफिरा के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी वो मैटर करता है, लेकिन अगर नहीं तोड़ पाती है तो दोस्तों ये डिसअपॉइंटमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अजय देवगन तब्बू की जो फिल्म है दोस्तों लोगों में जगह बना लेगी दिलों के अंदर। आपको बता दूं कि भाई अगर दोस्तों इस फिल्म को आपको देखना है तो पता है किसके लिए देखने के लिए जाऊं, अजय देवगन तब्बू मैम के लिए। अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो इस फिल्म के कॉन्टेंट के लिए जाओ, क्योंकि अभी तक महाराजा मूवी जब आई थी विजय सेतुपति की तो हमने भी इसको इग्नोर किया था। और आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे सनी देओल एक्शन के हीरो है, वैसे दोस्तों अजय देवगन जो है अपनी आंखों से वार करते हैं, उनकी आंखें पूरी इस फिल्म में बोल रही थी, इनफैक्ट वो शांत भी रहते हैं तो उनकी आंखें जो है पूरी डायलॉग बोल रही थी, उनके पंचेज उनके डायलॉग डिलीवरी कमाल की लग रही थी। ऑसम मूवी है दोस्तों, सबका काम अच्छा लगा। इसके अलावा जो डायरेक्शंस था इट वाज ऑसम डायरेक्शंस। एंड आपको बता दूं गाइस कि
ओवरऑल जो अगर मैं रेटिंग दूँ तो ऑफकोर्स मैं तो दूँ तो 10 में से 10 दे दूँ, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि मेरे को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इतना भी म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही स्टोरी मैंने बताया दोस्तों कि वो स्टोरी का सस्पेंस मैं रिवील नहीं कर सकता दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट इतना जरूर याद कीजिए कि स्टोरी बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस रात में अचानक क्या हो गया, कृष्ण और वसुंधरा आपस में प्यार करते हैं और कृष्ण जो है वसुंधरा को पाने के लिए 22 साल तक जेल में रहा, उस रात में ऐसी क्या घटना हो गई जिसकी वजह से अजय देवगन कृष्ण को जेल जाना पड़ा। एंड जब वो 22 साल के बाद जेल से रिहा हुआ तो वसुंधरा के पास गया, लेकिन वसुंधरा जो है जिम्मी शेरगिल से शादी हो जाती है, उसकी अपनी एक अलग टाइमलाइन चल रही होती है अपनी लाइफ की, उस लाइफ के बीच अजय देवगन की एंट्री वापस से होना क्या इन दोनों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देती है दोस्तों, बहुत सारे स्पॉइलर हैं, उस रात को क्या हो जाता है, बहुत सारे सस्पेंस है, लॉट्स ऑफ टर्न्स। एंड मैंने पहले भी कहा था कि ये फिल्म चलेगी तो अपनी स्टोरी अपने कॉन्टेंट के वाइज पे, और दोस्तों अजय देवगन इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इस फिल्म का प्रमोशन ना करे, क्योंकि उनको पता है कि कॉन्टेंट ही इतना लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों देर किस बात की, एडवांस बुकिंग चल रही है, बुक करो टिकट को भाई, बहुत ही फाड़ू मूवी है। एंड मैं जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि अजय देवगन जो है एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को दिखा देंगे कि दृश्यम जैसी फिल्में आ सकती है, और दृश्यम से भी खतरनाक इसमें सस्पेंस है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों प्यार देने के लिए, लव यू, टेक केयर, इसी तरह प्यार देते रहिए। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के ऊपर मैं छत पर बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता था कि ये डिले हो और आप लोगों के बीच मेरा रिएक्शन और रिव्यू जो है लेट आए, तो सॉरी उसके लिए। बाकी थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट भर के करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और अजय देवगन की इस फिल्म को आप कितनी रेटिंग देखोगे, और देखा है तो क्या बेस्ट पार्ट लगा इस पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि मेरे को बेस्ट पार्ट तो जेल्स के सारे सीक्वेंस अच्छे लगे, जहाँ पर वो कुछ एक्शन सीन्स भी अच्छे लगे, जहाँ पर वो लोगों को खाना खिलाता है, एक सीन्स जहाँ पर रंगोली वाला सीन्स मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाओ देखो और प्यार करके बताओ कि भाई क्या वाकई में इसका कॉन्टेंट आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, बाय।